हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस खाली समय में अपना समय का उपयोग कर रहे होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आधारित क्वेश्चन हम लोग के चल रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 का भी हम लोग देखते हैं। सवाल हमारा है, ऊपर से खुले एक टैंक का आयतन भी दिया है, ऊपर से खुले एक टैंक का आयतन भी दिया है, तो ये भी जो दिया है शब्द है इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। फिर आगे है, इसका आधार वर्गाकार है, यानी जो भी टैंक है वो आधार वर्गाकार है, नीचे का जो पोर्शन होगा वो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। यदि इसके अंदर की सतह न्यूनतम है, अब देखिए हमको अंदर की सतह न्यूनतम शो करनी है, तो ये चीज़ तो हमको फाइंड आउट करना है गहराई चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सवाल को पढ़कर यही ज्ञात करते हैं कि क्या चीज़ न्यूनतम है या क्या अधिकतम है, तो वो चीज़ हमने ज्ञात कर लिया है। टैंक के अंदर का सतह न्यूनतम है, तो यही से हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, टैंक के अंदर की सतह, अब देखिए टैंक में 5 सरफेस होते हैं, ऊपर से सॉरी 6 सरफेस होते हैं कुल, लेकिन टैंक है तो टैंक ऊपर से खुला रहेगा, पानी उसमें भरना है कोई चीज़ रखना है ऊपर से खुला रहेगा, तो 4 दीवार होंगे और एक नीचे का पेडी होगा, तो 5 आइटम होंगे, तो 5 आइटम ही हमको लेना है। अंदर की सतह में 5 होंगे, ऊपर से तो खाली है, जैसे कोई कमरा हो उसका लेंटर ना लगा हो, ऊपर से छत खाली रहेगा, वही टैंक की कहानी होती है। तो आइए 5 सतह की बात करते हैं। अब 5 सतह में कौन सा होगा? नीचे की सतह लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई हम 2 टाइम ना लेकर के 1 टाइम लेंगे लंबाई चौड़ाई, क्योंकि ऊपर अगर होता तो 2 टाइम लंबाई चौड़ाई लेते, नीचे की लंबाई चौड़ाई ऊपर वाली लंबाई चौड़ाई, तो हम सिर्फ 1 LB लेंगे, बाकी 2 टाइम BH होगा और 2 टाइम LH होगा। तो 2 इसमें हो गया, 2 दीवार इसमें हो गए, 2 दीवार इसमें हो गए, 4 दीवार हो गए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 2 टाइम L प्लस B करके H बाहर ले लेते हैं, तो ये चारों दीवारों का होता है, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, चारों दीवारों का होता है 2 टाइम L प्लस B H, ये 4 दीवार का हो गया और एक फर्श हो गया है, फर्श में लंबाई चौड़ाई होती है, तो ये 5 अंदर वाले सतह हो गए। ये चीज़ हमको इसी को न्यूनतम दिखाना है, तो इसको एक एरिया हम लिख दे रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू LB प्लस 2 टाइम L प्लस B इंटू H। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब आइए टैंक का आयतन दिया हुआ है, तो हम टैंक का आयतन लिख दे रहे हैं, आयतन को भी से रिनोट कर रहे हैं, लेकिन हम भी से रिनोट कर ले रहे हैं, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका फार्मूला होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये भी दिया भी कांस्टेंट है, तो हम इसमें से एक आइटम को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आधार वर्गाकार है, तो आधार वर्गाकार है इसका भी हम कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ हम बी को भी इस सवाल में इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ए को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए, और बी को भी हम यह लिख देंगे, यानी चौड़ाई को भी हम लंबाई के बराबर मान रहे हैं, तभी तो वर्गाकार होगा, तो जो इसकी चौड़ाई है वो भी लंबाई होगी। चलिए थोड़ा सा और इसको ठीक कर लिया गया, तो वेरिएबल हमारे घट गए, यहाँ 3 वेरिएबल दिख रहा था, अब 2 वेरिएबल हो गए, एल स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 टाइम 2 इंटू 2 एल इंटू एच ठीक कर लिया जाए इसको, तो एल स्क्वायर प्लस 4 एल एच, अब इसको इक्वेशन 1 माना तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने आयतन वाले पर, आयतन हमारा कांस्टेंट दिया हुआ, आयतन का फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो यहाँ भी हम बी को एल बना दे रहे हैं, क्योंकि वही होगा प्रश्न के हिसाब से, तो वी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू एच हो गया। अब हमारा नियम क्या कहता है कि जिस राशि को न्यूनतम या महत्तम दिखाना होता है उसमें 2 व्यंजक होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, जिसमें से 1 वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, इसमें आप देखें एल एच है, एच को एल में चेंज कर दिया जाए, यहाँ से चेंज कर दिया जाए, आयतन कांस्टेंट है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, और यहीं से मैं एच की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, तो एच की वैल्यू हो जाएगी बी अपान एल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2,
और दो की वैल्यू वन में पुट अप कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में एच की वैल्यू पुट अप कर दी जाए। तो आइए अब यहाँ हम लोग पहुँचते हैं ए इज इक्वल टू, अब हमारा सवाल मिलेगा एल स्क्वायर तो रहेगा ही, एल स्क्वायर हो गया, फोर एल हो गया, फोर एल हो गया, एच के स्थान पर हम ये लिख दे रहे हैं वी अपान एल स्क्वायर, वी अपान एल का स्क्वायर, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी एल स्क्वायर प्लस फोर वी अपान एल। तो ये हमारा व्यंजक ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लिया जाए, एल स्क्वायर प्लस वो फोर बी और एल पर माइनस वन पावर लिख दे रहे हैं, चूँकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होती है तो हमने इसको माइनस वन पावर लिख दिया। अब आइए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, विथ रिस्पेक्ट टू एल, एल हमारा वेरिएबल है तो एल के हिसाब से हम करेंगे, तो हमारा हो जाएगा डी ए अपान डी एल, डी ए अपान डी एल इज इक्वल टू इसका टू एल होगा, अब समझ ही रहे हैं फोर भी कांस्टेंट है होना ही नहीं है, एल पर माइनस वन का होगा माइनस वन एल पर माइनस टू, तो ये वैल्यू हमारी ठीक कर लिया जाए, डी ए अपान डी एल इज इक्वल टू टू एल, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस फोर बी अपान एल स्क्वायर को हम नीचे लिख देते हैं इसको इक्वेशन थ्री मानते हुए। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं, हम लोग जीरो भरते हैं, तो जीरो भरेंगे तो यहाँ से टू एल माइनस फोर बी अपान एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, नाउ इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो टू एल क्यूब इज इक्वल टू फोर बी होगा, तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से हमको एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की वैल्यू हो गई एल क्यूब इज इक्वल टू फोर बी अपान टू एल, फोर बी सॉरी फोर बी अपान टू, तो एल क्यूब हमको मिल गया टू बी, इसको अगर हम एल की वैल्यू ही निकालना चाहें तो टू बी पर वन बाई थ्री पावर होगा। चलिए तो हमारा वेरिएबल भी फाइंड आउट हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की, तो थर्ड इक्वेशन को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो हम लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एल, विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो ये डी टू ए अपॉन डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एल का सिर्फ टू होगा क्योंकि एल का वन हो जाएगा, माइनस फोर बी तो कांस्टेंट है, एल पर माइनस टू ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस टू का जब करेंगे तो माइनस टू एल पर माइनस थ्री हमको मिलेगा, तो इसको ठीक कर लिया जाए डी टू ए अपान डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस माइनस प्लस हो गया फोर टू एट हो गया, बी होगा एल पर नीचे थ्री पावर आएगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब हम डी टू ए जो हमारा वर्किंग स्टेप है, वर्किंग स्टेप में क्या करते हैं डी टू ए अपान डी एल स्क्वायर में हम एल की वैल्यू पुट करेंगे जो आई है टू बी पर वन बाई थ्री पावर, तो यहाँ लिख देंगे एल इज इक्वल टू टू बी पर वन बाई थ्री पावर इसमें पुट अप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा इसका यहाँ एल क्यूब, एल क्यूब की वैल्यू ना क्यों हम भर दें तो डायरेक्ट हम टू बी एल लिख दे रहे हैं, भरेंगे तब भी वही आएगा क्योंकि यहाँ एल की वैल्यू इतनी तो एल क्यूब की वैल्यू सिर्फ टू बी होगी, तो टू से बी को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ये टू से फोर टाइम हो गया, कुल वैल्यू आई हमारी सिक्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो वैल्यू हमारी डी टू बी अपॉन डी एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस हेंस मीन्स इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एट एल क्यूब इज इक्वल टू टू बी जो हमारा ए है एरिया अंडर का सतह द इनर सरफेस, द इनर सरफेस ऑफ द टैंक ऑफ द टैंक विल बी मिनिमम, तो ये बात तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो इनर टैंक की एरिया होगी वो मिनिमम होगी, तो हमारा
एल की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब हमको गहराई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। एक्चुअली हम गहराई को यहाँ एच को ही गहराई कहते हैं, चाहे ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए। तो हमको एल इंटू एच फाइंड आउट करना है। तो एल इंटू एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्यों ना इसी को यूज कर लें, डायरेक्ट हम इसी को यूज कर लें। इसमें एल एच दोनों दिख रहा है, बाकी हम निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन टू से काम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव, यहाँ से हमको मिल जाएगा एल की वैल्यू। मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो एल की वैल्यू यहीं पुट कर देना, एल की वैल्यू नहीं बी की वैल्यू पुट कर दे, चूंकि हमको एल एच में रिलेशन लेना है। तो बी की वैल्यू टू बी के स्थान पर एल क्यूब, तो यहाँ बी की वैल्यू होगी एल क्यूब अपॉन टू। तो जहाँ बी है वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एल क्यूब अपॉन टू। तो एल क्यूब अपॉन टू हमने बी के स्थान पर लिख दिया, नीचे एल स्क्वायर है तो नीचे एल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई एल क्यूब अपॉन टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से तीन पावर नीचे कंप्लीट से कैंसिल हो गया, तो हमको मिला एच इज इक्वल टू एल अपॉन टू मिला। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस एल को यहाँ भेज दे रहे हैं, चूँकि हमको अनुपात निकालना है। तो वन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो वन इज टू टू आना चाहिए, यानी गहराई संबंधित चौड़ाई, लंबाई को हम चौड़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो वन इज टू टू आना चाहिए, एक संबंध दो के अनुपात में आपको आंसर दिखना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा इसी एक्सरसाइज का है। सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए आयतन, तो आपको ध्यान देना है दिए हुए आयतन, यानी आयतन को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि जो चीज़ दिया हुआ था वही कांस्टेंट होता है। और फिर देखिए न्यूनतम संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ को न्यूनतम हमको इस सवाल में गिवन है। हमारा फिगर है वृत्तीय बेलन, बेलन के बारे में आप लोग जानते हैं, ऊंचाई और उसके आधार के व्यास के बराबर, ये चीज़ तो हमको प्रूफ करना है कि ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, यानी प्रूफ करना हमको कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का डबल यानी व्यास के बराबर, ये चीज़ तो हमको प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ के ज्ञात कर लिए कि क्या चीज़ न्यूनतम दिखाना है, वो दिख रहा है संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम दिखाना है। मैं फिगर भी बना लेता हूँ, ये आपका बेलन है, ऐसे होता है बेलन, ये इसकी ऊंचाई होती है, आगे इसका वृत्त का सेंटर होगा, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस होती है। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी है, तो आइए टोटल सरफेस की बात करते हैं। आपने सब हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, ये होता है दोनों आधारों का क्षेत्रफल प्लस कर्व सरफेस, यानी कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बोथ बेस, एरिया ऑफ द बेसेस, बेसेस हम लिख दे रहे हैं चाहे टू बेस, एरिया ऑफ द टू बेस। तो कर्व सरफेस में आप जानते हैं टू पाई आर एच होता है, और एरिया बेस चूंकि सर्कुलर होता है, सिलेंडर नीचे वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है बेस का, इसी में हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे का ऊपर का दोनों हमको एरिया मिल गया, एक कंप्लीट एरिया हमको हो गई, चूंकि हमको टोटल सरफेस चाहिए। टोटल तीन सरफेस होते हैं, दो ए और एक ए, तीनों सरफेस हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसमें से टू पाई आर कामन भी लेना, तो एच प्लस आर हमको मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या चीज़ गिवन है, दिए हुए आयतन, आयतन हमारा गिवन है यानी आयतन कांस्टेंट है, उसी का फार्मूला लिख दिया जाए, पाई आर स्क्वायर एच है पता आप लोगों को, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए अब इसकी मदद से यहाँ देखिए एच आर दो आइटम है, तो एच को आर में या आर को एच में, यहाँ आर आर दो जगह है, तो आर को बदलना ठीक नहीं, एच को बदल दिया जाए। यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ से एच हमको मिलेगा वी अपान पाई आर स्क्वायर, वी अपान पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, और यही वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में एच का मान पुट कर दिया जाए, तो हम समीकरण एक से देखिए, नाउ एस टी इज इक्वल टू टू पाई आर हमने लिख दिया, एच के स्थान पे ये पुट कर देंगे, बी अपान पाई आर स्क्वायर प्लस आर ऑलरेडी है,
अब इसमें टोटल सिंगल वेरिएबल हो गया सिर्फ r, बाकी तो हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, अंदर ले जाएंगे, गुणा कर लें तो r अंदर जाएगा तो एक r नीचे वाला कटेगा, पाई से पाई कट गया, तो ऊपर हो गया 2v और नीचे एक r बचेगा, बाकी पाई तो कैंसिल हो गया। फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 टाइम पाई r स्क्वायर, और थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं तो ये हो गया st इज इक्वल टू, इस r को हम ऊपर ले ले रहे हैं चूंकि वेरिएबल हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो माइनस वन लिख दे रहे हैं इसको, बाकी ये 2 पाई r स्क्वायर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, जो हमारा वर्किंग रूल है डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, टू वी कॉन्स्टेंट है तो टू वी को हमको लिखना है, आर पर माइनस वन का आप जानते ही हैं, माइनस वन पहले आ जाता है और आर पर माइनस टू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन टू पाई यहाँ कॉन्स्टेंट है दूसरे पद का, आर स्क्वायर का आप करते हैं तो टू आर मिलेगा, ठीक कर लिया जाए इसको तो हमको मिल गया डी एस टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस टाइम टू वी अपॉन आर का स्क्वायर, ये दो पावर निगेटिव हमने नीचे लिख दिया, यहाँ ठीक है चार होगा, पाई होगा, आर होगा। नाउ अब इसके बाद हम लोग जीरो पुटअप करते हैं, डी एस टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, जो हमारा वर्किंग स्टेप है, जीरो पुटअप करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमको मिलेगा टू बी अपान, ये वैल्यू हमारी निगेटिव होगी तो यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ, यहाँ माइनस छूट गया है तो ये माइनस होगा, माइनस टू बी अपान आर स्क्वायर प्लस फोर पाई आर इज इक्वल टू जीरो, तो इसको लिख दिया जाए टू बी अपान आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे तो भी माइनस होगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको क्रास पाई पाई तो हम काट दे रहे हैं, दो से चार को भी काट के दो लिख दे रहे हैं, तो बचा वन अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर, टू और आर, फिर क्रास मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर क्यूब की वैल्यू हमको मिलेगी दो के बराबर, या यहाँ से हम आर बराबर भी लिख सकते हैं टू के पावर वन बाई थ्री। चलिए वेरिएबल भी हमारा निकल गया, इसके बाद अगला काम हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर मैं थ्री मान लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हमको मिलेगा डी टू एस टी अपान डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निगेटिव रहेगा निगेटिव टू बी, और ये आर पर माइनस टू का करेंगे तो मिलेगा माइनस टू आर पर माइनस थ्री, इतना मिलेगा हमको, फोर पाई आर का सिर्फ फोर पाई होगा, आर का वन हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिल गई माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई और टू का टू में, तो फोर हो गया, बी हो गया, नीचे आर का क्यूब हो गया प्लस फोर पाई, ये चीज़ हमको मिला डी टू एस टी अपान डी आर का स्क्वायर, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद आर की वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, तो इसमें हमको आर क्यू की वैल्यू पुट करनी है, दो भर देंगे आर क्यू की वैल्यू दो, चलिए मान भरते हैं तो आप देख भी रहे हैं कि पॉजिटिव आपको मिलेगा, डी टू एस टी अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी ऊपर और नीचे आर क्यू की वैल्यू मैं दो पुट, इसमें एक चीज़ हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक कर लिया जाए इसको, ये टू आर क्यूब ये वैल्यू हाफ आएगी तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, वन बाई टू आएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी वन बाई टू टू द पावर वन बाई थ्री, तो वन बाई टू टू द पावर वन बाई थ्री, अब यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो हाफ पुट करेंगे, आर क्यूब की वैल्यू वन बाई टू होगी तो वन बाई टू हो गया प्लस फोर पाई, तो डी टू एस टी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट बी प्लस फोर पाई, कुल मिला के जो भी ये वैल्यू आ रही है ये सब दिस इज ग्रेटर देन जीरो
आप देख ही रहे हैं सब पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1/2 पर ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव आ रही है, तो हम लिख देंगे एट आर क्यूब इज इक्वल टू 1/2 डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, चाहे डायरेक्ट मैं एस टी को लिख देता हूँ, एट आर क्यूब इज इक्वल टू 1/2 एस टी विल बी मिनिमम। तो एस टी को हमने मिनिमम दिखा दिया, अब हमको ऊंचाई और व्यास को बराबर दिखानी है, तो आइए यह चार में हमको रिलेशन लेना है। तो यह चार में रिलेशन लेने के लिए हमारा फार्मूला किस में पुट कर दिया जाए, इसी को हम यूज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से 2v अपॉन आर स्क्वायर ना होगा इज इक्वल टू 4πr, यहाँ भी हम छोड़ दिया पाई लिख दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/3। तो r पर 3 की वैल्यू होगा v अपॉन 2π और r बराबर होगा v अपॉन 2π/1/3। बाकी यही सब तो सही है क्यों? चलिए तो यहाँ हम लोग मान भर रहे हैं, आर की वैल्यू वी अपान 2π/1/3, तो यहाँ हो जाएगा, मैं वी का मान नहीं, आर का मान तो रखना ही पड़ेगा, तो 4b ऊपर हो गया, नीचे आर क्यूब का मान भर दिया जाए क्योंकि आर क्यूब इसमें है, तो आर क्यूब का जो वी अपान 2π, तो वी अपान 2π यहाँ हो गया और प्लस 4π, तो ये हमको मिल जाएगा, वी भी कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा 8π ऊपर होगा, 4 × 8π और प्लस 4π, यानी कंप्लीट रूप से आ गया डी टू एस टी अपान डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12π, ये 12π हो गया। उसके बाद ये आ गया दैट इज ग्रेटर देन 0, इसलिए आर इज इक्वल टू वी अपान 2π के इसके पावर 1/3 एस टी विल बी मिनिमम। यहाँ से ध्यान दीजिए डी एस टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे हम, तो -2b/r² + 4πr = 0, ये चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव को हम इधर रख लेते हैं, उधर जाएगा निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 को 4 को हमने कैंसिल कर लिया, तो हो गया 2πr² का एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो v की वैल्यू 2πr³ आ रही है, यहाँ से r क्यूब की वैल्यू v अपॉन 2π होगा और r निकालेंगे तो v अपॉन 2π/1/3 हो जाएगा, ये 2π है, 2π v अपॉन 2π/1/3। इसके बाद मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ अगेन इक्वेशन नंबर 3 को, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ से हमारा 2b कांस्टेंट है -2b, r को ऊपर ले आएंगे आर स्क्वायर को, तो -2r होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -2r/-3 और इसका करेंगे प्लस करके तो +4πr³ हो गया, यहाँ से ये माइनस माइनस में गुणा हो गया प्लस हो गया, 4π/r³ + 4π यहाँ से हमको मिल गया, फिर d2st/dr² यहाँ की वैल्यू v/2π जो आई है 1/3 पावर, इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आर क्यूब को पुट कर दे रहे हैं, आर क्यूब की वैल्यू है v/2π, चूँकि आर क्यूब दिख रहा है तो आर का मान न रख के आर क्यूब का ही मान रख देते हैं, आसानी से निकल जाएगा v/2π, ये v कैंसिल हो गया, 2π ऊपर चला गया, 8π हो गया प्लस 4π, कुल हमारा आ गया 12π, 12π चूँकि पॉजिटिव क्वान्टिटी है इसका मतलब ये धनात्मक मिला हमको, तो हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू v/2π/1/3 एस टी विल बी मिनिमम। अब इस आधार पर हमको एच और आर में रिलेशन ये प्रूफ करना है, तो हम ये वैल्यू
फिर वहाँ से मैं यहाँ गया हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन सेकेंड। हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। इसके बाद आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इनिशियल इंटीग्रेशन है उसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो को